कशकोल लेकर हर आदमी रोड पर निकला हुआ है। अगर हम महंगाई के लिए नहीं निकलेंगे तो ये 100% और आजकल 1000% लोग, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे उसकी पीडीएम हो, ये सारे चोरों का टोला पाकिस्तान की आवाम को खोखला करके उसके बाद इसको बेच के साम्राज्य दलालों के हाथों बैठ गया और आज आवाम भूखों मर रही है। हमारा बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान की आवाम को हकीकी मानों में उनका राइट तो दो, रोटी दो, पानी दो, बिजली दो, तहफ़ दो, क्यों नहीं है? हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर को उनका राइट चाहिए यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक। तो क्या आप यूनाइटेड नेशन में बैठ के खाली दुकानदारी करते हैं? या आईएमएफ के नाम पर आप हमें दलाली करके हमें महंगा गाय के भोज के तले डालते हैं? लानत है ऐसी हुकूमत पर, लानत है ऐसे फैसलों पर। हम नहीं मानते इनको और हम इस एहतजाज को, आज तो छोटा एहतजाज है, हम सिंध के ऐवानों क्या पाकिस्तान के ऐवानों तक ले जाएंगे। भाईजान ये मुजाहरे की बुनियाद भी यही है कि अगर पहले सैलाब ने मारा, इन बेगैरतों ने सैलाब में लोगों को डुबाया, जो फंड आया वो अपने घरों में रखा, फैक्ट्री और कारखानों में रखा, और आज इस हालत में भूख और अफलास में पाकिस्तान से बाहर तो हम इंतजार दे रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के आवाम को हम रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि साम्राज्य दलालों के पैरोकार हैं और अपने बजट बनाने के चक्कर में डॉलर को महंगा करें, पाकिस्तान को महंगा करें। पाकिस्तान के गंदम हमारी पैदावार है, हमारे पास नहीं है। चीनी हमारी पैदावार है, हमारे पास नहीं है। दालें हमारी पैदावार है, हमारे पास नहीं। तो कहा जाती है ये सब, ये चोर डाकू लुटेरे और बेगैरत किस्म के लोग खुद खाते हैं और आवाम को भूखा और नंगा मारते हैं। ये कहेंगे कि आज देखें कि पूरे मुल्क में कितने पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी, महंगाई, इसके वजह से हम और भरपूर मुजाहरे निकालेंगे, भरपूर मजामत करेंगे। हम सिंध गवर्नमेंट को बताते हैं कि चीजें सस्ती करें। खुदारा आवाम मजदूर सारे सड़कों पे हैं, इतनी महंगाई की है कि लोग कहाँ जाएं, खाने को लोग कहाँ से पैसे लाएंगे। हम इसका भरपूर आगे एहतियात बढ़ा देंगे। बाकी हमारे अहदेदार बैठे हैं, वो सारे मिली भगत है। हम जो है आवाम के लिए निकलेंगे, रोडों पे आएंगे, जिदोजिद करेंगे आखिरी दम तक। नारे मुर्तजा, जिए मुर्तजा। बुनियादी हकूक जो हैं उनके लिए इस वक्त माएं अपने बच्चों को लेकर निकलती हैं कि हमारा एक बच्चा खरीद लो ताकि हम आटा खरीद के दूसरे बच्चों का पेट पालें। इस वक्त पाकिस्तान जो दुनिया का सातवीं आठवीं ताकत है लेकिन यहाँ के आवाम के लिए बिजली नहीं है। ये पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है, समझे, यहाँ पर पांचवें नंबर पर गंदम पैदा होता है लेकिन यहाँ के आवाम के लिए आटा नहीं है। 75 सालों से पाकिस्तान के आवाम को भूखा और इन्होंने पानी के लिए तरसा हुआ है। दोस्तों मेरा मकसद ये है कि हम गरीब आवाम इस वक्त इस हालत में हैं कि बहुत से लोग भीख मांगने पर आए हैं कि हमें कुछ खाने के लिए नहीं है। यहाँ का जो मौजूदा हुकूमत है जो अरबों खरबों रुपए कमाकर और आईएमएफ से फंड लेकर खा जाते हैं आवाम के नाम पर, लेकिन आवाम यहाँ भीख मांग रहा है। खुद भी यहाँ की आवाम जो है वो हासिल कुछ नहीं है उनको, यहाँ ना तालीम हासिल कर सकते हैं। हमारा मुतालबा ये है कि जो जाली भुट्टो, दो नंबर भुट्टो, आवाम से भुट्टो के नाम पर वोट लेकर और फिर भुट्टो के कातिलों के साथ, शहबाज शरीफ के साथ बैठकर अयाशी कर रहे हैं, हम आवाम से मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसी जाली लोगों को वोट ना दो और सही लोगों को वोट देकर और अपने हकूक हासिल करें।